नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। अंबिकापुर में बाल काटने को लेकर हुए विवाद में हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा, चाकुओं से गोदकर युवक को मार डाला था। अंबिकापुर शहर में 2 साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत ने सजा सुनाई। बाल काटने को लेकर हुए विवाद में चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। जानकारी के मुताबिक 28 मई 2022 को दीपक टोप्पो 20 वर्ष निवासी मुक्तिपारा गांधीनगर घर के पास खड़ा था। वहां चाकू लेकर आरोपी इमिलियानुस मिंज 27 वर्ष पहुंचा। दोनों के बीच बाल काटने को लेकर विवाद हुआ तो इमिलियानुस ने दीपक के सीने, पेट, सिर और जांघ पर चाकू से कई बार वार कर दिया। चाकू के वार से दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मिशन अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। चाकू के वार से दीपक का फेफड़ा फट जाने से उसकी मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी इमिलियानुस मिंज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने बताया कि सबूतों के आधार पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत ने आरोपी इमिलियानुस मिंज को हत्या का दोषी पाया। दोषी को आजीवन कारावास और ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।